जैन हमारी सभी दोस्तों को, आज हम मेडिकल का पॉइंट चेक करने जा रहे हैं डीएनएस का। बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर डीएनएस में हमको अनफिट किया जा रहा है, आखिर डीएनएस होता क्या है। आज हम आपको बताएंगे डीएनएस होता क्या है। डीएनएस में दो पॉइंट होते हैं, पहला होता है नेजल पॉलिप्स का। नेजल पॉलिप्स होता क्या है आपको बता दें, आपने देखा होगा कि जैसे अंगूर के छोटे छोटे दाने होते हैं या बरसात की बूंदे होती है, उस तरह से मांस जो होता है वो नाक के अंदर होता है, कभी कभी आगे की तरफ होता है और कभी कभी पीछे की तरफ होता है, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। और थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको ऊंचाई वाली जगह में आपकी पोस्टिंग हो गई, मान लो लेह लद्दाख में हो गई, कश्मीर में हो गई, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी होती है और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मेडिकल पर आपको अनफिट कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट जो होता है वो डीएनएस का होता है। डीएनएस होता क्या है आपको बता दें, डीएनएस होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम। इसमें क्या होता है, नाक की जो आपकी हड्डी होती है, अब कभी कभी उभरी हुई होती है, कभी धसी हुई होती है, कभी बाहर की तरफ होती है, कभी अंदर की तरफ होती है, तो इस पॉइंट पे भी आपको पूरी तरह से अनफिट कर दिया जाता है। आखिर ये हड्डी जो होती है क्यों अनफिट कर देते हैं, तो आपको बता दें इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नाक से सांस लेने में। आप जब भी सांस लेंगे, ऊंचाई वाली जगह में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। आइए, तो हमारे साथ सभी गर्ल्स हैं, हम आज इनका मेडिकल चेक करेंगे और देखेंगे आखिर किन बच्चियों की ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आप अगर जैसे कुछ लोग होंगे कि सर हमने कभी चेक नहीं कराया है, हमको भी चेक कराना है, तो बेटा आप लोग अपने घर पे भी चेक कर सकते हो। आप सबसे अच्छा आसन होता है अनुलोम विलोम का। आप एक नाक बंद करिए, दूसरी नाक से सांस लीजिए और फिर उसको बंद कीजिए, फिर छोड़िए। तो अगर आपकी रुकावट हो रही होगी तो छींक भी आएगी आपको, या आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मेरे कोई समस्या आए, या आप टार्च जला के शीशे के सामने खड़े होके वैसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके छोटे छोटे दाने हैं तो आप अपने नज़दीकी जाके जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं और DNS के स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनके यहाँ पे जाके चेक करा सकते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं, देखते हैं कि आखिर किन बच्चियों के प्रॉब्लम है। अगर किसी की वो प्रॉब्लम निकलती है तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, सर मान लीजिए मेरे पास ये प्रॉब्लम निकल आती है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंडोस्कोपिक सर्जरी। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के यहाँ जाइए, बहुत ज़्यादा भर्ती नहीं रहने पड़ता है, एक दिन में आपकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन आपने अगर एक बार ऑपरेशन करा लिया तो फिर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो कभी भी अगर आपकी हड्डी टेढ़ी है या नाक टेढ़ी है आपकी, तो आप जरूर चेक करा लें, वरना आप मेडिकल से अनफिट हो जाएंगे, आप किसी फोर्स लायक नहीं रहेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं और आपको बताएंगे कि अगर किसी के पॉइंट निकलता है तो किस तरह का होता है। पहले हम चेक करते हैं, देखते हैं कि अगर किसी के नेजल पॉलिप्स होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर किसी की हड्डी टेढ़ी होगी तो वो भी दिखाया जाएगा। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह का पॉइंट होता है। आप इस बच्ची के देख सकते हो कि अंदर की तरफ किस तरह से मांस उभरा हुआ है। इस तरह का अगर पॉइंट पाया जाता है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ऊपर करो मैया। पूरा नॉक कर दो कपड़े में, यही सबका पुलिस में
देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। प्रीति तो पहले सपोर्ट पर खड़ी होगी ना। करो उधर होगा जी, तो ये आपने देखा कि केवल एक बच्ची ऐसी थी हमारे यहाँ पे जिसके नेजल पॉलिश का पॉइंट था, अन्यथा और सभी लड़कियाँ जो हैं उनका कोई भी पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सभी फिट हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके नाक के अंदर छोटी छोटी जैसे पानी की बूंदें होती हैं, इस तरह से अगर मांस आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो लटका हुआ पाया जाता है तो आपका अनफिट पॉइंट होता है। आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ और वहाँ पर आप जाके दिखाएँ। सबसे अच्छा तरीका होता है इंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा। आपकी एक दिन या दो दिन ही आपको एडमिट किया जाएगा, दूसरे दिन आपकी छुट्टी हो जाती है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आराम से जाएं और तुरंत जाके इसको चेक कराएं। आपने सोचा रहे नहीं कोई पॉइंट नहीं होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, और आप अगर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि आखिर किस किस तरह से चेक किया जाता है, हम आपको पूरी रिपोर्ट देंगे।